अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू तरन्नुम फूड क्लब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मशरूम करी की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगी। इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। मशरूम फुल ऑफ मिनरल होता है। ये स्किन, ब्रेन, बोन्स और हार्ट के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 250 ग्राम मशरूम ली हूँ। मशरूम को मैंने वेनेगर और आटा से अच्छी तरह से क्लीन किया था और फिर नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से वॉश कर दी थी। अब मैं मशरूम को कट कर लूँगी। मशरूम मुझे बहुत ही पसंद है। आप इसे बड़े साइज़ में भी कट कर सकते हैं, इनफैक्ट और भी छोटा साइज़ में कट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कैसा पसंद है। मशरूम को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसे कुक कर लूँगी। कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूँगी। 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा, इसे शामिल कर लेंगे। मसालों का फ्लेवर ऑयल में आ चुका है। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप कर लिया था, इसे भी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। प्याज को लाइट ब्राउन फ्राई कर लूँगी। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज में अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। 1 बड़े साइज़ के टमाटर को सिंपली ग्राइंडर में पीस ली थी, इसे भी ऐड कर रही हूँ। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि मसाले जले नहीं। साथ ही मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला ना जले। इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। 2 से 3 मिनट तक ढककर इसे पका लूँगी। 3 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे चेक कर लूँगी। तो देखिए मसाला ऑयल छोड़ चुका है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिया है, इसे हाथों से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी डालने से एक टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, तो इसे अच्छे से मिला लें। 5 से 6 काजू को ब्लेंड करके पाउडर बना ली थी, इसे भी ऐड कर दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ मेरा मसाला भून चुका है। फिर से 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैं बटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो आप तेल ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें कटी हुई मशरूम ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। 7 से 8 मिनट लिड लगाकर मीडियम फ्लेम में इसे पका लूंगी। बीच बीच में 1-2 बार इसे चला लेना है। 8 मिनट हो चुका है। इसे 1 से 2 बार बीच में मैंने चला दिया था। देखिए बढ़िया से ग्रेवी मशरूम बनकर तैयार हो चुकी है। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और 2 मिनट इसे पका लूँगी। 2 मिनट हो चुका है। हमारा मसाला मशरूम बनकर तैयार हो चुका है। आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपका मशरूम मसाला कैसा बना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल रेसिपीज़। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको मेरी मेहनत और रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।